आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी जॉइंट एक्शन कमेटी की ओर से की जा रही है। मेरे साथ डिफरेंट जो हमारी सभाएं हैं, जो एसोसिएशन हैं, सभी उनके प्रधान जहां पर एससी एसटी ओबीसी के सभी प्रधान जहां पर बैठे हुए हैं। तो आज का जो मेन हमारा जो मुद्दा है वो जो हमारे चेयरमैन जो कि पब्लिक सर्विस जेके पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन जो मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं उनके लिए, और दूसरे डीलिमिटेशन जो कमीशन जहां पर आया हुआ है मनमाने ढंग से उन्होंने जो काम किया है, आज दोनों हमारे जो मेन हमारे मुद्दे हैं। मैं जेके पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करूँगा कि चेयरमैन जो आपको पता कि जो हमने प्रिलिमिनरी जेके एस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 4 क्वेश्चन गलत डाले गए थे और जो लड़के थे जिनके मेरिट जिनका बनता था वो कोर्ट में चले गए और कोर्ट में जाकर उसका जो मेरिट था रीडिफाइन हुआ और जेके पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने सिर्फ 6 दिन का टाइम दिया और नोटिफिकेशन निकाल दी, डेट शीट निकाल दी। आज ये मसला जम्मू कश्मीर में नहीं, ये हमारा नेशनल लेवल पर चला गया है और लोकसभा के अंदर जो हमारे टॉलेस्ट लीडर जे एंड के के हैं उन्होंने वहाँ पर लोकसभा 0 आवर में ये मसला उठाया है। हमारे लड़के कैसे 6 दिन के अंदर कैसे तैयारी करके वो एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम में कैसे पहुँचेंगे, ये दरबदरी या हमें जिस बात की मैं रिक्वेस्ट करूँगा आने वाले एलजी साहब से मेरी अपील रहेगी, कम से कम बच्चों को 2 हफ्ते का टाइम मिलना चाहिए जो दूर दराज स्टेटों में हमारे बच्चे बैठे हुए हैं एस्पायरेंट हैं ताकि वो भी मेन में एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकें। और दूसरी बात यह है कि जितने भी हमारे रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट आते हैं उनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है या प्रमोशन होती है, उनको जो मेरिट में हमारे बच्चे आते हैं उनको कैटेगरी में रखा जाता है, ना कि उनको रोस्टर जो है मेरिट में रखा जाता है। जो मेरिट वाले लड़के उनको नहीं मेरिट पर रखा जाता, ये बहुत बड़ी विडंबना है। और वर्बली ये मेंबर्स को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि इनको नंबर भी कम देने हैं, ये वर्बल इंस्ट्रक्शन जा रही हैं। ये बहुत बड़ी जायती, बहुत बड़ी धांधली जो कि जेके पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर हो रही है। मैं चाहूँगा कि आने वाले एलजी साहब इसकी इनकी इंक्वायरी करें और जो भी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, जो प्रमोशन हुई हैं, ये जो सीनियरिटी की बात करें, ये खुद 10-10 साल के पुराने केस जो हैं, जो सेटल्ड केस हैं, उनको भी खोल के सीनियरिटी खुद कर रहे हैं, उसकी सीनियरिटी खुद फिक्स कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी विडंबना है। इसके साथ ही डीलिमिटेशन कमीशन की बात करें, जितनी भी हमारी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ पर जितना भी हमारा एससी का बोर्ड था उसको छिन विन करके, उसका चीड़ फाड़ करके 2-2, 3-3 जगह उनकी डिवीज़न की गई है, ये किसी भी कीमत पर हमें स्वीकार्य नहीं है। तो मेरी आने वाले एलजी साहब से मेरी अपील रहेगी कि ये दोनों हमारे ये डीलिमिटेशन कमीशन की बात करें, ये पूरे स्टेट के अंदर हाहाकार मची उसकी भी, और दूसरी बात हमने जेके पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, जो हमने एज ए ऑर्गेनाइजेशन जॉइंट एक्शन कमेटी की ओर से हम आने वाले चेयरमैन से मिले थे हम, और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी होगा वो अकॉर्डिंगली रूल होगा। लेकिन आज ये सामने आ रहा कि 10-10, 12-12 साल की जो पहले सेटल्ड केसेज है उनको भी खोल कर जानबूझकर एक डॉक्टर को जो फायदा देने के लिए सारा ऐसा जो गोरखधंधा जो किया जा रहा है, ये हमें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।